आज आपको नेम प्लेट के बारे में बता रही हूँ। अक्सर कुछ गलतियाँ नेम प्लेट के मामले में होती है और उसका खामियाजना भुगतना पड़ता है सारी ज़िंदगी। आपको समझ में नहीं आता कि हमने तो सही नेम प्लेट लगाई है, नाम सही लिखा है, लेकिन कुछ अशुद्धियाँ होती हैं उसमें, जिसका खामियाजना आपको ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है। आपको यश नहीं मिलता, आपको प्रसिद्धि नहीं मिलती, और तो और ज़िंदगी में पैसा ही नहीं आता। पैसा आना बंद हो जाता है, जैसे किसी ने टोक लगा दी है और सारे रास्ते बंद कर दिए हों, ऐसी स्थिति आपकी हो जाती है। तो आपको इससे बचने के लिए आपके नेम प्लेट को देखना चाहिए और उसको संशोधित करके पुनर्निर्माण उसका कराना चाहिए, अगर कोई गलती है तो। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपके घर में पैसा आएगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी, सब आपको चाहने लगेंगे, आपकी प्रशंसा होने लगेगी और कोई भी कलंक या बट्टा आपके माथे नहीं आएगा। इससे आपका हमेशा बचाव होता रहेगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री और वास्तु कंसल्टेंसी भी करती हूँ। आप मुझसे वास्तु परामर्श मात्र 5100 में ले सकते हैं। नेम प्लेट आपके ऑफिस की भी हो सकती है, घर की भी हो सकती है। अगर आपकी प्रतिष्ठान वाली जो नेम प्लेट है उसको आप रेड कलर से पेंट कराते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। आप अपने कंसर्न का नाम अलग अलग मत लिखिए, एक ही जो माथा लाइनिंग का माथा होता है, मतलब लाइनिंग का माथा होने से मतलब है एक लाइन खींची जाती है, अगर हिंदी में नाम है तो उसको एक ही लाइन खींच दें। इससे आपका बंटवारा नहीं होगा, पार्टनरशिप में ब्रेकेज नहीं आएंगे और आपकी ज़िंदगी में पार्टनरशिप बहुत ग्रो करेगी, अगर आप पार्टनरशिप में बिज़नेस करते हैं तो। लेकिन आप अकेले ही बिज़नेस करते हैं तब भी आपको इससे लाभ होगा। आप अपना खुद का जो नाम होता है वो भी इस तरह से लिख सकते हैं, अगर हिंदी में आपने लिखा है। अगर अंग्रेज़ी नाम लिखा है, अंग्रेज़ी में नाम लिखा है तो अलग अलग लिखिए, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे रघुनाथ शर्मा, रघु अलग लिखिए, नाथ अलग लिखिए, शर्मा अलग लिखिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपका नाम पद्मावती है, हिंदी में एक साथ लिखते हैं पद्मावती, तो आपके यश और कीर्ति कई गुना बढ़ती है। नेम प्लेट बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, सफ़ेद मार्बल की नेम प्लेट कभी ना बनवाएं, काले मार्बल की नेम प्लेट भी आपको नहीं बनानी चाहिए। आप कोई भी काम में ले सकते हैं मार्बल, लेकिन काले और सफ़ेद मार्बल का प्रयोग आप भूल कर भी ना करें, इससे आपको बदनामी मिल सकती है, आपकी तरक्की बाधित हो सकती है। जहाँ तक हो सके ऐसी नेम प्लेट से बचें जो प्लास्टिक की होती है, जनरली प्लास्टिक की नेम प्लेट होती है और उसका बेस ही काला होता है और गोल्डन स्याही से उस पर लिखा जाता है, प्रिंटिंग मटेरियल गोल्डन वाला होता है, तो ऐसी नेम प्लेट आपको नहीं बनवानी चाहिए। अगर आप राजनीति में हैं तो सफ़ेद आप नेम प्लेट बनवाइए, सफ़ेद बेस हो उसका और उसको ऑरेंज या भगवा कलर से नाम लिखवाइए अपना, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। नेम प्लेट बहुत बड़े बड़े अक्षरों में नहीं होनी चाहिए, उसका अक्षर संतुलित होना चाहिए। अपना नाम कभी भी काले अक्षर से नहीं लिखवाएं, इससे आपको बदनामी हो सकती है, आपको कलंक लग सकता है और आपकी जो यश कीर्ति है वो बाधित हो सकती है। सामान्य तौर पर ग्रे और ब्लू कलर का प्रयोग और ब्लैक कलर का प्रयोग, ये तीनों ही रंग ऐसे हैं ये आपको यश कभी नहीं मिलने देंगे, तो इनसे आपको बचना चाहिए। लाल, पीले, ऑरेंज या भगवा बहुत लकी कलर माने जाते हैं हर किसी के लिए। गोल्डन कलर का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, इससे भी आपका सितारे चमकेंगे और आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी और पैसा आपकी ज़िंदगी में बहुत आयत से आने लगेगा। कभी भी अपनी नेम प्लेट पर गलत एड्रेस ना ही लिखें। अगर आपको टोने टोट के होते हैं और आपको नज़र लगती है तो शॉर्ट में अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे पी के शर्मा आप लिख सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। शॉर्ट में भी अपना नाम लिख सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा होगा, अगर आपको टोने टोटके और नज़र बाधा बहुत लगती है तो। नेम प्लेट लिखवाते समय एक चीज़ का ध्यान रखें, शुभ और मांगलिक चिन्ह आपकी नेम प्लेट के आसपास हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। जैसे शुभ लाभ आपने लिखवा दिए, स्वास्तिक आपने बनवा दिया, इससे आपको बहुत लाभ होता है। और जो त्रिशक्ति होता है, त्रिशक्ति भी अपने मुख्य द्वार पर लगाते हैं अपने नेम प्लेट के साथ में, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। हमेशा अपनी नेम प्लेट की दिया बत्ती डेली करें, इससे आपका नाम चमकेगा और जमाने में नहीं विश्व में आप छा जाएंगे, ऐसी आपकी उन्नति और प्रगति होगी।
आप अपनी नेम प्लेट पे थोड़ी हल्दी छिड़कते हैं या कपूर की जोत करते हैं तो भी आपका मान सम्मान बढ़ता है। आप सफ़ेद बेस वाली नेम प्लेट ले सकते हैं, ऑफ वाइट कलर का भी यूज़ कर सकते हैं और उस पर भगवा कलर का से अपना नाम लिखवाएं, लाल कलर से अपना नाम लिखवाएं तो आपको बहुत उन्नति मिलती है। आप पीतल की शीट पे भी अपना नाम लिखवा के उकेर सकते हैं, इससे भी आपको बेनिफिट मिलने लगेगा। ये काम करके देखिएगा, आपका नाम ना चमके तो हमें कहना। आपका नाम आपकी कॉलोनी में नहीं, आप सारे विश्व में, सारे समाज में आपका नाम सम्मान से लिया जाएगा और आपके पास पैसा भी बहुत आएगा अगर आप हमारे हिसाब से ये जो काम करेंगे जो अभी हमने आपको बताए, इनमें से ज़्यादा काम करें और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।